हार गए, हार गए, दूसरा टेस्ट भी हार गए। ये दिन देखना पड़ रहा है यार, बांग्लादेश ने हमको क्लीन स्वीप कर दिया। लानत है पाकिस्तान की क्रिकेटर यार, कोई शर्म होती है कोई यार। देखो हारना तो हमने था, मुझे पता था कि एक आध मैच हमने बांग्लादेश से हारना है, ये मैंने आपको पहले ही कह दिया कि भाई रेड बॉल में पाकिस्तान की वैसे ही चारों खाने चीत है, रेड बॉल में पाकिस्तान का नामो निशान है। कुत्ते की तरह जलील हुए हम ऑस्ट्रेलिया में और हम यहाँ पर भी जलील होंगे। और रावलपिंडी जो है ना, मतलब जो हमारे लिए सबसे खतरनाक होम ग्राउंड है वो हमारे अपने पाकिस्तान के हैं। हमारे पाकिस्तान में हमको इंग्लैंड पेल के गई, हमको ऑस्ट्रेलिया पेल के गई, हमको ये वाले भी बांग्लादेश वाले भी पेल के जा रहे हैं, हमको न्यूजीलैंड वाले भी पेल कर गए। भाई अपने होम ग्राउंड के ऊपर जब जीतना नहीं सीखोगे तो क्या तुमको क्या लग रहा है कि तुम्हारे लिए हम कोई रेड कारपेट बिछाते उसके ऊपर तुम क्रिकेट खेलोगे? अबे और कहां खेलना है, कौन सी तुम्हें जीत चाहिए, कौन सी तुम्हें फैसिलिटीज चाहिए, ऐसा लानत है तुम्हारी शक्ल के ऊपर, लाना तो तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर कसम। इतना मेरे को, मेरे मुंह में ऐसे ऐसे अल्फाज आ रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूं लेकिन फिर इधर से फोन आ जाते हैं कि भाई इस तरह नहीं बोलो, इस तरह नहीं बोलो। अबे कैसे ना बोलें इस बगैर टीम को, कैसे ना बोले? देखो हम इनकी ऐसी की तैसी करते हैं। और तुम लोग से आज गुजारिश है कि इतने सब्सक्राइब करो ना, आज एक सब्सक्राइब का बटन एक लानत होगा इस पाकिस्तान की टीम के ऊपर। एक सब्सक्राइबर एक लानत भेजेगा जो भी नया आएगा। देखो पुराने वाले तो ऑलरेडी लानत भेज रहे हैं, पुराने वाले आप लाइक करते जाएं उस हिसाब से लानते जो है वो बढ़ती जाएंगी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के अंदर। इन बेशर्मों को जितना ज्यादा हम कोसें, इन बेशर्मों को जितना ज्यादा जलील करें, इनसे यू नो बहुत ज्यादा इनको जो है खुजली मची रहती है, इनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन रहती है कि भाई चलो हमारे बारे में बात तो। अबे भाई अच्छा करोगे तब भी बात करेंगे, कभी जीतोगे तब भी तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन तुम जो पिछले 1.5 साल से ये रेंडी ऑर्टन लगाकर बैठे हो कि हर छोटी से छोटी टीम से तुमने हार रहे हैं। अबे बांग्लादेश ये कौन सी टीम है जिसका नामो निशान नहीं है टेस्ट क्रिकेट के अंदर? आज तक कभी किसी वर्ल्ड कप स्टेज के अंदर कोई सेमीफाइनल में नहीं आए हैं ये। अबे अफगानिस्तान वाले तो फिर भी आ गए, ये आज तक सेमीफाइनल में नहीं आए हैं। ये कौन सी क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में? ये क्या हरामीपन हो रहा है पाकिस्तान में भाई? खुद सोचो, ये पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, इनको तो बिल्कुल घंटा फर्क ही नहीं पड़ रहा। अबे भाई शेक हैंड ऐसे कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, पप्पियां दे रहे हैं मैच हारने के बाद, जैसे बहुत बड़ी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई हुई हो कि चलो हमने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, पाकिस्तानी अवाम हमें इस हार पे माफ कर देगी। सालों 1.5 साल से जलील होते जा रहे हो, 1.5 साल से तुम्हारे ड्रामे बर्दाश्त कर रहे हैं, 1.5 साल से तुम्हारे इस वो क्या कहते हैं हिंदी में अत्याचार बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग को बाज ही नहीं आ रहे। अभी तुम लोग कहते हो कि भाई हमें हमारे फैंस के ऊपर फखर है कि हमारे फैंस हमारे पीछे करें। तुम्हारी भी ऐसी की तैसी, तुम्हारे फैंस की भी ऐसी की तैसी, और कोई शर्म होती है कोई हया होती है बगैर तो कब जागोगे, कब बदला लोगे, कब खून खोलेगा रे तुम्हारा? तुम लोग सालों यहां पर यूएसए से हारने के बाद आ गए वर्ल्ड कप से, 65 दिनों के बाद तुमने अपना पहला मैच खेला, ऑलमोस्ट 2.5 महीने के बाद तुमने अपना पहला मैच खेला, वो भी हार गए। उसके बाद दोबारा मैच खेला, 4 दिन का था, बारिश ने तुम्हें बचाया, फिर भी हार गए। यार तुम कितने जलील हो, तुम कितने ख्वार हो, तुम्हारी क्रिकेट को क्या हो गया, तुम्हारी जन्म, मैं तुम्हारे पैदा होने पर लानत भेजता हूं यार। ऐसी क्रिकेट टीम ये पैदा हुई थी पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए? अबे इससे अच्छा है खेलो ही नहीं, खेलो ही नहीं, छोड़ दो क्रिकेट को, बोलो हमने खेलनी नहीं है जिंदगी में, हम क्रिकेट खेल ही नहीं सकते हैं। और बगैर तो कोई शर्म कर लो, कोई हया कर लो। तुम लोगों ने क्या बना दिया पाकिस्तान का, अचार बना के डाल दिया तुमने पाकिस्तान की क्रिकेट का? ये कौन सी तुम लोगों ने क्रिकेट खेली है? आज लानत जितनी भेजू कम है, जितनी बेगैरती मैं इन लोगों के ऊपर भेजू वो कम है, क्योंकि इन लोगों ने जलील करके रख दिया। ढोल फट गया पाकिस्तान का, पाकिस्तान का पिछवाड़ा फट गया। ऐसी क्रिकेट देखी आज हमने बांग्लादेश की क्रिकेट टीम से, हम घुटने टेक के जलील हो गए भाई, घुटने टेक के हम जलील हो गए उनके सामने। आज से कितने साल पहले भी हुए थे और अभी भी हो रहे, ये कोई शर्म नहीं है इनके अंदर भाई कि हमारी क्रिकेट उनसे बेहतर थी? हमने उन्हें, हम जो उनको बेटा बेटा कहते थे, बेटा बेटा कहते थे, आज वो हमारे बाप बने बैठे बांग्लादेश वाले। उनको तो बांग्लादेश में इतनी टेंशन है, उनके घर जला दिए भाई, उनके घर जला दिए, उनके घरों में घुस गए, अवाम ने तोड़फोड़ कर दी। उनको दिमागी तौर पर इतनी टेंशन थी कि हमने बोला कि यार इनके साथ क्या ही खेलेंगे, तो एक ही दिन में हार जाएंगे, 2 दिन में फैसला हो जाएगा। लेकिन भाई बांग्लादेश वालों ने क्या मुंह पे चपेड़े मारे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, मुंह पे लिटरली चपेड़े रैप्टे मारे हैं रैप्टे, और बोला है कि भाई तुम लोग हो ही इसी लाइक घटिया लोग, बेगैरत लोग, तुमने पाकिस्तान का नाम बदनाम करके रख दिया, तुमने पाकिस्तान क्रिकेट को आज घंटे पे चढ़ा दिया, और तुम कहते हो कि हमें क्रिटिसाइज मत करो, हमारी क्रिटिसिज्म मत करो हमारी टीम के ऊपर। यार कैसे ना करें तुम्हारी इस घटिया टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म, तुम्हारी इस जाहिल और बदतरीन क्रिकेट के ऊपर कैसे क्रिटिसिज्म ना करें? तुम कब तक बेगैरती करते रहोगे और हम तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे कि चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं? अबे इतनी बेगैरती कोई करता है यार? शलवारें उतार दिए तुम्हारी बांग्लादेश वालों ने, बांग्लादेश के लोगों ने, छोटे छोटे से वो लोग हैं मुशफिकुर रहीम 5 फुट का आदमी, वो तुम्हारी शलवारें उतार के ले रहे हैं। यार ये कौन सी क्रिकेट खेली है तुमने? ये मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान का क्या किया इसने, हैं? एक सेंचुरी कर इसको बाप बना के बैठ गए। अबे भाई रिजवान लूजिंग कॉज में, आपको पता है टॉप 5 में सबसे ज्यादा रन्स इस मोहम्मद रिजवान के हैं। ये घटिया इंसान पाकिस्तान को जब भी रन्स करता है हरवा देता है। अबे भाई इस ये रन्स करता है तो बाकी सारे हिजड़े बन जाते हैं,
खुद बताओ, बाकी सारे हिजड़े यार ये किस किस लिया है टीम के अंदर? साहिबजादा फरहान कहाँ है, कामरान गुलाम कहाँ है? ये वो बंदे जो कि रन पे रन किए जा रहे हैं, इनको कोई मौका ही नहीं दे रहा खेलने का भाई, इनको कोई मौका ही नहीं दे रहा कि भाई टीम में आ जाओ, चलो तुम लोग खेलो, हम लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा, हम लोगों ने हथियार डाल दिए अपने, तुम लोग जो है आकर खेल लो। नहीं, टीम में जगह भी रखनी है। अब तुम लोग खुद देखो कि शाहीन और नसीम को निकाला, बॉलिंग हमारी बेहतर हो गई, बॉलिंग हमारी बाकी वैसे बेहतर हो गई, जो हमारी घटिया बॉलिंग थी शाहीन और नसीम के होते हुए। पाकिस्तान की बॉलिंग की सबसे बड़ी बीमारी हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह है, इनको निकालो। पाकिस्तान की बैटिंग की सबसे बड़ी बीमारी यहां पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इनको निकालो, इनको सबसे पहले निकालो, क्योंकि ये घटिया लोग पाकिस्तान टीम में वो कहते नाग बन के बैठे हुए, नाग सांप बन के बैठे हुए, किसी और को आने नहीं दे रहे, खुद कुछ कर नहीं रहे। इन हिजड़ों से हम क्या उम्मीद रखेंगे? ये पाकिस्तान को आगे क्या जितवाएंगे? घंटा जितवाएंगे? 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी घंटा जितवाओगे? 2025 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो खैर बढ़ी गई, वो तो हमारा चांस ही नहीं है, वो तो हम बिल्कुल थूक के बाहर निकाल दिया हमको बांग्लादेश वालों ने, और हमारे मुंह पर थूका है और बोला कि तुम्हारी क्रिकेट जलील होने लायक थी, है और रहेगी। और फिर भी पाकिस्तान में बैठे लोग कहेंगे नहीं भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अबे लानत हो तुम्हारे ऊपर अगर तुम अब भी इस टीम को सपोर्ट करते हो तो, लानत हो तुम पाकिस्तानी फैंस के ऊपर कि तुम अब भी यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट जिंदाबाद के नारे लगाते हो तो। अबे घंटे की टीम, लूसी टीम, बगैर टीम, इससे अच्छी तो युगांडा और इथोपिया की टीम है जो नहीं खेलते लेकिन कम से कम जब खेलते हैं तो उनका दिल तो नहीं टूटते ना। हमारी टीम तो भाई खेलते ही क्यों है? इस क्रिकेट को ही मैं कहूंगा इसको डिसकंटिन्यू करो, इसको अभी के अभी डिसमेंटल करो क्रिकेट को, क्योंकि ये पाकिस्तान की क्रिकेट पाकिस्तान के लोगों की कोड की बीमारी की निशानी बन रही है, पाकिस्तान के लोगों के डिप्रेशन की बीमारी की वजह बन रही है। लेकिन भाई नहीं, हमारी टीम नंबर वन, हमारी टीम नंबर वन। आ जाते हैं 2-2% के फैंस की भाई हमारी टीम नंबर वन, ओ भाई क्या करेंगे हम तुम्हारी टीम का, इस नंबर घटिया टीम का हम क्या करें, इस बगैर टीम का हम क्या करें, जो ना आपको यार जिम्बाब्वे से हार रहे हो, यूएसए से हार रहे हो, अफगानिस्तान से तो चलो फिर भी वो हमारे बाप है उनसे हार रहे हो, और आज तुम बांग्लादेश से भी हार गए। दुनिया की कौन सी टीम रह गई जो यहाँ पर जिसने तुमको नहीं हराया है? कौन सी टीम रह गई जिसने तुमको नहीं हराया? हर टीम से तुम हार के बैठे हो छक्को, हर टीम से तुम हार के बैठे हो। तुम्हारा घंटा बजा के रख दिया आज पूरी दुनिया की क्रिकेट ने, और तुम कहते हो हमारी क्रिकेट नंबर वन है, हमारी क्रिकेट ये है, हमारी क्रिकेट वो है। और बेगैरत के बच्चों, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। यार तुम लोगों ने आज डिप्रेशन में डाल दिया बच्चों को, पाकिस्तान के लोग खुदकुशी करने में मजबूर है, ग्राउंडों में जाकर बारिश का पानी जो है ना उसके अंदर डुबके लगा के मरने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस टीम को से उम्मीद क्या रखे हम लोग साले ना, ये यहाँ इनसे हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते, पता नहीं अपने घर में कैसे उम्मीद करते होंगे। यार खुद सोचो, ये तो सारे नल्ले हैं, खुश रहे हैं एक नंबर के, अपने आप को कंपेयर करते हैं इंडियन टीम के साथ, अपने आप को कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड टीम के साथ, ये है इंडियन टीम के साथ कंपेयर होने वाले, ये बेगैरत है टीम के साथ कंपेयर होने वाले। इनको तो बोलूंगा जाहिलों को कि इनको कोई गली क्रिकेट में ना खिला, ये इंटरनेशनल में कैसे आ गए, इनका इलाज करवाओ, इंक्वायरी बिठाओ के साले ये तुम साले इंटरनेट बॉल तुम्हें नजर नहीं आ रही, टच होके कभी उसके हाथ में जा रही है, तो कैच तुम खुद दिए जा रहे हो, पिच के ऊपर टोपियां ड्रामिया तुम ही कर रहे हो, लेटे जा रहे हो कभी क्या कर रहे हो, बॉलिंग तुमसे नहीं हो पा रही, बैटिंग तुमसे नहीं हो पा रही, कैचेस तुमसे छूट रहे हैं। कितने कैचेस छोड़े हैं यहाँ पर पाकिस्तान ने इस सीरीज के अंदर, कितने कैचेस छोड़े हैं भाई? बंदे अगर टीमों के स्टैट निकाले जाए तो साल में इतने कैच कोई नहीं टीम नहीं छोड़ती जितना पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने इस एक सीरीज के अंदर कैचेस छोड़े हैं। और फिर ये कहते हैं कि भाई कैचेस जो है वो लिए जाते हैं, डिप्रेशन होता है, ये होता है, ओ भाई कैचेस विन मैचेस, ये बात पहले नहीं सुनी है तुमने? वहां पर इंग्लैंड वाले श्रीलंका को पेल रहे हैं, वहां पर इंग्लैंड वाले कभी किसको पेल रहे हैं, कभी इसको, इंडिया वाले तो खैर पूरी दुनिया को पेल रहे हैं, और हम यहाँ पर दुनिया की कोई भी टीम आती है हमको पेल के चली जाती है। और फिर ये जो घटिया 2% के फैंस है ये कहते हैं भाई क्रिटिसिज्म नहीं करो यार, क्रिटिसिज्म नहीं करो, अपनी टीम है पाकिस्तान की, पाकिस्तान की ये टीम है वो टीम है, थूकता हूं मैं इस पाकिस्तान की टीम के ऊपर और पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस के ऊपर, जलील करवा के रख दिया बांग्लादेश के हाथों से आज हमें, आज बांग्लादेश की क्रिकेट ने हमको जलील करके कुत्ते की तरह मार मार के हमारा घंटा बजाया है। और फिर भी ये पाकिस्तान में बैठे फैंस बोलेंगे नहीं 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 नहीं, बांग्लादेश ने तो भाई अच्छी क्रिकेट खेली है इसलिए जीते, जो अच्छी खेलेगा वो जीतेगा। ओ भाई कैसे कैसे अच्छी खेलेगा वो जीतेगा? खुद बताओ क्या ये क्रिकेट खेली है बांग्लादेश ने? क्या ये घटिया क्रिकेट खेली है बांग्लादेश ने जिसको तुम लोग कहते हो कि भाई बहुत ये क्रिकेट खेली वो क्रिकेट खेली, क्या खेला है? कोई शर्म के मारे डूब के मर जाओ तुम लोग। तुम लोगों ने आज यहाँ पर पाकिस्तान का नाम मिट्टी में मिला दिया, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की क्रिकेट का नाम, तुम लोगों ने इमरान खान की मेहनत, सकलैन मुश्ताक की मेहनत, वसीम अकरम, वकार यूनिस की मेहनत तुम लोगों ने आज मिट्टी में मिला दी। उन लोगों ने एक इमेज बनाया था, इमेज कि भाई एक बहुत बड़ा इमेज बनाएंगे हम, बहुत यू नो ऊंचे लेवल का इमेज बनाएंगे, लेकिन तुम लोगों ने सबको जलील करवा दिया। बांग्लादेश के हाथों हारना ये कोई छोटी बात नहीं है भाई,
खत्म करो क्रिकेट को। मुझे नहीं पता, मुझे आइंदा के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं देखनी। और किसी ने बोला ना कि भाई एक बार फिर जा रहा हूं उनको सपोर्ट करने, साला यही से ढोल उठा के तुम्हारे मुंह पे मारूंगा मैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। खैर, अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।